ये भी ऑनलाइन है। ये हमारे लिए नहीं होती है सर अरे ने। हाँ तो ये धन्यवाद सभी कॉलेजों का और उसमें उपस्थित विद्यार्थियों का। आज का अपना टॉपिक फर्टिलाइजेशन पे रहेगा पूरा डिटेल, और मैं ट्राई करूंगा कि 1 घंटे में ये व्याख्यान है वो अपना कंप्लीट हो जाए। तो फर्टिलाइजेशन एक जटिल रिएक्शन है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट के प्रो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और इस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन की अनेक डेफिनेशन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, लेकिन जेम्स ग्रे के अनुसार फर्टिलाइजेशन के डबल फंक्शंस होते हैं। फर्टिलाइजेशन हैज ड्यूअल फंक्शंस जिसमें एक कार्य है इसका एक्टिवेशन और दूसरा फंक्शन होता है एम्फीमेक्सिस। एक्टिवेशन के दौरान अंडे का साइटोप्लाज्म एक्टिव होता है और ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। एम्फीमेसिस के दौरान मेल और फीमेल गैमेट के जेनेटिक मटेरियल्स का फ्यूजन हो जाता है और डिप्लॉयड स्टेज जो होती है द्विगुणित प्रावस्था वो पुनर्प्रारंभ हो जाती है और इवोल्यूशन के नए करेक्टर्स के लिए एक नींव बन जाती है। एक तरह का फाउंडेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन जो है ये टोटली रैंडम प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पर ऐसी कोई भी स्टेप नहीं है जिसमें किसी किसी केमिकल्स की आवश्यकता नहीं हो। किसी स्टेज पर सोडियम आयनों की आवश्यकता होती है, किसी स्टेज में कैल्शियम आयनों की आवश्यकता होती है, किसी स्टेज पर एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इसलिए शॉर्ट में मैं तो इसको यही कहूंगा कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट के प्रो न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरे एनिमल किंगडम्स में पाई जाती है, प्लांट्स में भी पाई जाती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक कंडीशंस हैं, वो फुलफिल यदि हो तो ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो पाती है, अदरवाइज निषेचन नहीं हो पाता है। इन बेसिक कंडीशंस में सबसे पहली जो कंडीशंस है वो है कि फ्लूइड मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए। ये फ्लूइड मीडियम समुद्री जल भी हो सकता है, नदियों में रहने वाले प्राणियों के लिए नदियों का जल भी हो सकता है, तालाबों में रहने वालों के लिए पॉन्ड वाटर हो सकता है, और जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनके अंदर बॉडी द्वारा स्रावित जो फ्लूड होता है वो भी हो सकता है। ड्राई मीडियम में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए मोमेंट करनी पड़ती है और मोमेंट के लिए तरल माध्यम का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहली शर्त होती है कि फ्लूड मीडियम शुड बी प्रेजेंट। दूसरी नंबर जो मेल गैमिट की जो संख्या है, शुक्राणुओं की संख्या है, वो फीमेल गैमिट की तुलना में बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि 99% गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन के दौरान रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है, मॉर्टेलिटी हो जाती है, इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है और एक स्पर्म जो होता है मुश्किल से 2 मीटर से लेकर 5 मीटर तक तरल माध्यम में वो तैर सकता है। तो नंबर ऑफ स्पर्म है वो नंबर ऑफ फीमेल गैमेट से ज्यादा होने चाहिए क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा शुक्राणु की लाइफ स्पैन जो है बहुत कम होती है, जीवन अवधि बहुत कम होती है, इसलिए फर्टिलाइजेशन बहुत शीघ्रता से होना चाहिए। जिन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें स्पर्म की लाइफ स्पैन मुश्किल से 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक होती है। फीमेल बॉडी में प्रवेश करने के बाद में ये स्पर्म 2 दिन से लेकर 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, कुछ प्राणियों में ये 5 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। तो लाइफ स्पैन इनकी बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए निषेचन है वो भी शीघ्रता से होना चाहिए। निषेचन जो है वो 2 प्रकार का, ये क्या रहा है सर? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो एक्सटर्नल टाइप और एक इंटरनल टाइप। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो शरीर के बाहर संपादित होता है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, और ये फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मैरीन वाटर में भी हो सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है और विशेषकर जेनाइटल ट्रैक्ट में जिसमें ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, जनरली फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और प्लेसेंटा जो बनता है वो यूट्रस में बनता है। तो 2 तरह के निषेचन की प्रक्रिया हो सकती है, बाह्य प्रकार की और आंतरिक प्रकार की। अब मैकेनिज्म के संदर्भ में, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्टिलाइजेशन एक टोटली रैंडम प्रोसेस है, पूरा ये केमिकल प्रोसेस है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
लेकिन एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से, स्टूडेंट को समझाने की दृष्टि से, इस पूरी स्टेप्स को 5 पदों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स ओवम। इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ मूवमेंट करता है, दोनों गैमेट्स का अप्रोक्सीमेशन होता है। सेकेंड स्टेप जो है ये कैपेसिटेशन और कॉन्टेक्ट, इसमें मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ये भी पूरा एक केमिकल इवेंट्स होती है। तीसरी स्टेप जो है वो पेनिट्रेशन की होती है, और पेनिट्रेशन के दौरान मेल गैमेट फीमेल गैमेट में जितने भी आवरण होते हैं, एग के ऊपर लेयरिंग होती है, उन एक एक लेयर को डिजोल्व करते जाता है और स्पर्म ओवम के भीतर की तरफ पेनिट्रेट करता है। और जो ही स्पर्म अंडे के अंदर एंटर करेगा, अंडे के अंदर एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में मेल और फीमेल गैमेट दोनों के न्यूक्लियस जो होते हैं प्रो न्यूक्लियस, उनका फ्यूजन होता है। यहाँ पर प्रो न्यूक्लियस शब्द मैं यूज में ले रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी एनिमल्स की ओरिजिन तो क्या कहूंगा, उसके डेवलपमेंट की सबसे पहली कोशिकाएं होती है। अपने भी लाइफ की सबसे पहली जो सेल है वो शुक्राणु और अंडे होती है, इसलिए इनके केंद्र को प्रो केंद्र के रूप में हम रिफर करेंगे। तो एंट्रेंस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रो न्यूक्लियाई, इस तरह टोटल 5 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप अप्रोक्सीमेशन का है, सेकेंड स्टेप कैपेसिटेशन का है, थर्ड स्टेप पेनिट्रेशन और एक्रोसोम रिएक्शन, चौथी स्टेप में एग का एक्टिवेशन, और पांचवी स्टेप में मेल और फीमेल गैमेट के प्रो न्यूक्लियाई का फ्यूजन। फर्स्ट जो स्टेप है अप्रोक्सीमेशन, अब अप्रोक्सीमेशन जो है ये एक पूर्णतया रैंडम प्रोसेस है, लेकिन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह की डिवाइसेस नेचर के द्वारा ऑलरेडी डेवलप की गई है, जिसमें निषेचन की प्रोबेबिलिटी बढ़े, प्रायिकता बढ़े, उसके लिए अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह की ये डिवाइसेस पाई जाती है। जैसे फर्स्ट जो मैकेनिज्म हो सकती है वो है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का अर्थ है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही टाइम रिलीज हो, ये नहीं हो कि फीमेल गैमेट पहले रिलीज हो गया और मेल गैमेट 2 दिन बाद में रिलीज हो रहा है, उस केस में फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो एक एट ए पर्टिकुलर टाइम मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ रिलीज हो, उस केस में निषेचन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के नजदीक रिलीज हो, ताकि मेल गैमेट को ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी पड़े, उस केस में भी निषेचन की प्रायिकता बढ़ जाएगी। तीसरी जो एस्पेक्ट है वो है कि मेल गैमेट है वो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर में रिलीज हो। अपने ह्यूमन के केस में भी देखें तो करोड़ों की संख्या में स्पर्म है वो रिलीज होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन में केवल एक ही स्पर्म है वो पार्टिसिपेट करता है। और मेल गैमेट है वो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर में रिलीज हो, और 99% गैमेट्स की ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन है उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए नर युग्मक की संख्या हमेशा मादा युग्मक से ज्यादा होनी चाहिए। और फीमेल गैमेट जो है उसकी साइज ही बहुत बड़ी हो, फीमेल गैमेट की साइज बड़ी होगी तो उसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा स्पर्म फीमेल गैमेट के कॉन्टेक्ट में आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो अप्रोक्सीमेशन का जो प्रोसेस है ये पूर्णतया रैंडम प्रोसेस है, पूर्णतया यादृच्छिक प्रक्रिया है, और ये अपने हाथ में ये नेचर के द्वारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश होती है। सेकेंड जो स्टेप है कैपेसिटेशन, अप्रोक्सीमेशन के बाद में कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का अर्थ है कि एक ही स्पीसीज का स्पर्म उसी स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज करे, एक ही जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे को फर्टिलाइज करे, यह परिघटना कैपेसिटेशन कहलाती है। लेकिन कैपेसिटेशन को पहले मानते थे कि ये प्रक्रिया जाति विशिष्ट होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, लेकिन लेबोरेटरी मान लीजिए वाच ग्लास में या पेट्री डिश में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का ओवम है और दूसरी स्पीसीज का यदि स्पर्म भी उसमें प्रेजेंट है तो वो डेफिनेटली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आजकल कैपेसिटेशन की जो प्रक्रिया इसको जाति विशिष्ट नहीं मानते हैं, इट इज नॉट स्पेसिज स्पेसिफिक। और इस फिगर में आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिगर है, और एक ओम है और उसके चारों तरफ हजारों की संख्या में शुक्राणु जो है वो अंडे की सरफेस के साथ चिपके हुए हैं, अंडे की सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है। तो ये कैपेसिटेशन का एक रियल फिगर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। अब कैपेसिटेशन की व्याख्या के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज प्रतिपादित की है, जिसमें कुछ थ्योरी है वो हिस्टोरिकल है समझने के लिए है, और कुछ इसमें मॉलिकुलर लेवल पे भी आजकल डिस्कवरी हो चुकी है। तो इन 2-3 थ्योरीज का अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें एक पहला सिद्धांत है एफ आर लिली कंसेप्ट। लिली ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए फर्टिलाइजेशन पे वो सी अर्सिन के ऊपर किए,
और लीली के अनुसार अंडे की जो झिल्लियां होती है, जेली लेयर्स होती है, उसमें फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और स्पर्म की मेम्ब्रेन्स में एंटी फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये एंटी फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं। फर्टिलाइजिंग में दो रिएक्टिव साइट्स भी पाई जाती है, दो सक्रिय स्थल भी पाए जाते हैं, जिसमें एक शुक्राणु के फर्टिलाइजिंग के बाहर की तरफ होता है, जिसको स्पर्मेटोफिलिक साइट या शुक्राणु स्नेही स्थल कह सकते हैं, और फर्टिलाइजिंग के भीतर की तरफ जो साइट होती है उसको ओफिलिक साइट कहते हैं। तो अंडे की मेम्ब्रेन्स में, अंडे की जेली लेयर्स में फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, और शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में एंटी फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स हैं। ये कैपेसिटेशन के दौरान ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में लॉक एंड की थ्योरी के अनुसार या एंटीजन एंटीबॉडी के अनुसार आपस में रिएक्शंस करते हैं। हाँ, इस फिगर में आप जैसे देख रहे हो, ये बिफोर कैपेसिटेशन का डायग्राम है, जिसमें शुक्राणु के अंदर एंटी फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल है और अंडे की जेली में फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल है, और इस फर्टिलाइजिंग में बाहर की तरफ ये स्पर्मेटोफिलिक साइट है और इसके भीतर की तरफ ये ओफिलिक साइट है। अब जितनी भी स्पर्मेटोफिलिक साइट होती है उसके साथ स्पर्म अटैच हो जाते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हो, जितने भी स्पर्मेटोफिलिक साइट थी वहां पर स्पर्म है वो अटैच हो गया है, लेकिन भीतर की जो ओफिलिक साइट होती है ये एक्टिव हो जाती है, और एक जगह को छोड़कर बाकी ओफिलिक साइट है वो ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अब जहां से ओफिलिक साइट ब्लॉक हो गई वहां से शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन जो ओफिलिक साइट ब्लॉक नहीं हुई है वहां से स्पर्म है वो अंडे के अंदर पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का ये भी उद्देश्य रहता है कि केवल एक मेल गैमिट फीमेल गैमिट के अंदर एंटर करे। एक से ज्यादा यदि मेल गैमिट अंडे में एंटर करेंगे तो ये घटना पॉलीस्पर्मी हो जाएगी, जायगोट डिप्लोइड बनने के बजाय ट्रिप्लोइड बन सकता है, टेट्राप्लोइड बन सकता है, और उस केस में जो एम्ब्रियो बनेगा उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये लीली कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन है। लीली के अकॉर्डिंग अंडे की झिल्लियों में, अंडे की जेली लेयर्स में फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में एंटी फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये दोनों आपस में लॉक एंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपस में रिएक्शंस करते हैं। हाँ, इसके बाद में सेकंड जो कंसेप्ट है ये अल्बर्ट टाइलर का कंसेप्ट है। टाइलर कंसेप्ट भी लगभग लीली कंसेप्ट से मिलता जुलता है, लेकिन टाइलर के अनुसार फर्टिलाइजिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंडे की जेली लेयर में नए प्रेजेंट होकर प्लाज्मा झिल्ली में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लाज्मा झिल्ली जेली लेयर के बाहर छोटी छोटी माइक्रोलाई के रूप में बाहर निकली रहती है। इन माइक्रोलाई के ऊपर फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जबकि एंटी फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में प्रेजेंट हैं, और इन मॉलिक्यूल्स का पूरा स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरा ज्योमेट्रिकल इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरा इनका सिमेट्रिकल प्रेजेंटेशन होता है, इनकी लोकेशन होती है, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एंटीजन एंटीबॉडी फैशन में या लॉक एंड की फैशन में आपस में रिएक्शंस करते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हो, ये स्पर्म की प्लाज्मा झिल्ली, इसके अंदर एंटी फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये अंडे की जो प्लाज्मा झिल्ली ये बाहर निकली है विलाई के रूप में, और इस विलाई के ऊपर ये फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जितनी भी विलाई होती है विलाई पे फर्टिलाइजिंग के साथ एंटी फर्टिलाइजिंग के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, और अटैचमेंट के बाद में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़कर सभी विलाई है वो भीतर की तरफ खींच ली जाती है, भीतर की तरफ रिट्रैक्ट कर ली जाती है, और रिट्रैक्शन का परिणाम क्या होगा कि बाहर अंडे के बाहर जितने भी स्पर्म होते हैं वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, केवल जहां से बॉन्डिंग स्ट्रांग बॉन्डिंग जो प्रेजेंट है फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन की, वहीं से शुक्राणु अंदर की तरफ प्रवेश करने की कोशिश करेगा। और इसी में आप नेक्स्ट फिगर आप देख रहे हो कि बाकी विलाई है वो तो भीतर की तरफ रिट्रैक्ट हो गई है, और केवल एक जगह विलाई थी वो स्पर्म के साथ कॉन्टेक्ट में थी, अब ये स्पर्म इस ट्रैक्ट के थ्रू अंडे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट है, लीली कंसेप्ट और टाइलर कंसेप्ट, जो समझने की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया मॉडल के रूप में काम में आ सकता है। वर्तमान में जो डिस्कवरी हुई है उसमें वासरमैन साइंटिस्ट है, वासरमैन और फ्लोरमैन, जिन्होंने पर्टिकुलरली मैमल्स के ऊपर रिसर्च करी है, और अपने मुंबई में भी एक साइंटिस्ट है डॉक्टर कोलकुटे, जो केवल एक्रोसोम रिएक्शंस पे रिसर्च कर रहे हैं पिछले 25 साल से, और जितने भी मैमल्स हैं उन्होंने गिनी पिग पे एक्सपेरिमेंट किया है, प्राइमेट्स पे किया है, लंगूर पे किया है, रिसर्च मंकी पे किया है, ह्यूमन के ऊपर किया है, चूहों के ऊपर किया है, तो उनकी पूरी जिंदगी है वो एक्रोसोम रिएक्शंस के ऊपर बीती है। इस वाशरमैन कंसेप्ट को भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो पहला जो स्टेप था वो अप्रोक्सीमेशन का, इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के नजदीक आने की कोशिश करता है। सेकेंड स्टेप कैपेसिटेशन, जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। और ये पूरा जो अटैचमेंट है ये पूरा केमिकल इवेंट्स है, एक तरह की ये कीमोटैक्सिक इवेंट है, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले फर्टिलाइजेंस को गाइनोगैमोन्स के रूप में नाम से जाना जाता था और एंटी फर्टिलाइजिंग को एंड्रोगैमोन के नाम से जाना जाता था। और साइंटिस्ट ये मानते थे कि ये गैमिट्स के द्वारा स्रावित हार्मोन्स हैं, गैमिट प्लस हार्मोन इक्वल टू गैमोन, और इन गैमोन की वजह से मेल और फीमेल गैमिट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब कैपेसिटेशन के बाद में जो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो पेनिट्रेशन होती है, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स में अंडों के ऊपर अलग अलग कवरिंग पाई जाती है, उसमें कॉरियन होता है, उसमें जेली लेयर होती है, उसमें जोला पेलुसिडा होती है, कॉर्ना रेडिएटा होती है, क्यूमुलस लेयर होती है, और अलग अलग मेम्ब्रेन्स का केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। ज्यादातर ये लेयर्स नॉन सेलुलर होती है, इनमें कोशिकाएं नहीं होती है, लेकिन केमिकल मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है और उन केमिकल को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स चाहिए। ये एंजाइम सुकाणु के एक्रोसोम्स में प्रेजेंट होता है। और पेनिट्रेशन का जो प्रोसेस है ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो मैकेनिकल टाइप और एक केमिकल टाइप। मैकेनिकल टाइप का जो प्रोसेस है ये उन एनिमल्स में मिलेगा जिनके ऊपर बहुत ही सख्त आवरण पाया जाता है, बहुत ही हार्ड आवरण पाया जाता है, और ये आवरण जनरली काइटिन का बना होता है, और काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम सुकाणु के एक्रोसोम में नहीं होता है, लेकिन इन अंडों में एनिमल पोल के ऊपर एक बहुत ही छोटा छिद्र होता है जिसे माइक्रोफाइल कहते हैं, और सुकाणु जो होते हैं उस माइक्रोफाइल के द्वारा अंडे में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। अब हालांकि इसमें ये नहीं है कि इसमें कोई मैकेनिकल फोर्स यूज किया जा रहा है, कोई यांत्रिक बल यूज किया जा रहा है, लेकिन सुकाणु को एनिमल पोल के माइक्रोफाइल तक मूवमेंट करनी पड़ेगी और उसी माइक्रोफाइल के थ्रू सुकाणु जो होते हैं वो अंडे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको यांत्रिक विधि का नाम दिया है। यहाँ पर एक आप ये फिगर देख लो फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप के, कंपेलिन एरिया के अंडे हैं, मछलियों के अंडे हैं, इंसेक्ट के अंडे हैं, इन सभी में माइक्रोफाइल्स पाई जाती है, और ये माइक्रोफाइल है, इस माइक्रोफाइल के थ्रू स्पर्म है अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो फिगर है ये फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप के द्वारा दिया गया है। लेकिन वास्तविक जो प्रक्रिया है वो केमिकल मेथड ही होती है, अलग अलग एनिमल्स में केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके द्वारा अंडे की झिल्लियां डाइजेस्ट होती है, जिसमें कुछ फंडामेंटल जैसे कंसेप्ट है इसमें, जैसे एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर। तो जितने भी काइनोडर्म्स जो होते हैं, काइनोडर्मेटा, इनमें क्या होता है कि अंडे के बाहर लाखों की संख्या में स्पर्म अटैच है और इन स्पर्म में रेस्पिरेशन भी होता है। ये स्पर्म पानी के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में CO2 रिलीज करते हैं। ये CO2 अंडे के चारों ओर के पानी में डिजोल्व हो जाती है, पानी एसिडिक हो जाता है, पानी की pH कम हो जाती है, और इस एसिडिफिकेशन के कारण अंडे की झिल्लियां हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है और सुकाणु अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो एसिडिफिकेशन के द्वारा भी एग मेम्ब्रेन है वो डिजोल्व होती है। मेंढक और टॉड में एक प्रोनेज एंजाइम पाया जाता है, ये प्रोनेज एंजाइम अंडे की झिल्लियों को डाइजेस्ट करता है, डिजोल्व करता है। सी अर्चिन में ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम सी अर्चिन की मेम्ब्रेन्स को डाइजेस्ट करता है। लेकिन एक्चुअल रिएक्शंस जो होती है वो होती है एक्रोसोम रिएक्शंस, और अलग अलग एनिमल्स के एक्रोसोम में एंजाइम्स भी अलग अलग होते हैं। कुछ से एनिमल्स में एक्रोसोम होता भी नहीं है, कुछ में सेंट्रियल नहीं होता है, कुछ स्पर्म में पोस्ट नहीं होती है। तो एक्रोसोम रिएक्शन है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, और इसकी डिटेल स्टडी हजारों एनिमल्स में की गई है। यहाँ पर दो मॉडल अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो सी अर्चिन का और एक मैमल्स का, और मैमल्स का जो मॉडल है वो ह्यूमन के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस रहेगा। इस फिगर में आप देख रहे हो ये सी अर्चिन के जैसे दिखाई है इसमें, और इसमें अंडे की प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर ये जेली कोट है, और इसमें सुकाणु में केंद्रक और एक्रोसोम के बीच में एक प्रोटीन भरा रहता है जी एक्टिन, जो कि प्रोफाइलिन प्रोटीन के साथ बंधित रूप में होता है, जिसको प्रोफाइल एक्टिन बोलते हैं। लेकिन कैल्शियमाइन की प्रेजेंस में ये प्रोफाइल एक्टिन प्रोटीन टूट जाता है, जी एक्टिन अलग हो जाएगा, प्रोफाइलिन प्रोटीन अलग हो जाएगा। अब इस जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है, तो जी एक्टिन, जी का मतलब ग्लोबुलर, तो ग्लोबुलर एक्टिन जो होता है वो फाइबरस एक्टिन में कन्वर्ट होता है, और जो जो एक्टिन का फाइबर बनेगा इस केंद्र के आगे एक बहुत ही सुई के समान एक छड़ बन जाती है, जिसको एक्रोसोमल रोड या एक्रोसोमल टेंटिकल्स कहते हैं,
ये एक्रोसोमल रोड जो होती है वो अंडे की झिल्लियों को पंचर करने की कोशिश करता है, और इस एक्रोसोम रोड के आगे एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम रक्चर हो जाता है, एक्रोसोम के एंजाइम इस अंडे की झिल्लियों को डाइजेस्ट करते हैं, और आफ्टर डाइजेशन फिर सुकाणु के जो कंटेंट होता है जिसमें मेनली इसका न्यूक्लियस पेनिट्रेट करेगा, इसका स्निपस तारिकाय होता है वो पेनिट्रेट करेगा, सुकाणु की पूंछ जो होती है वो बाहर रह जाएगी, डिस्टल सेंट्रियोल बाहर रह जाएगा, और कई बार इसके माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो भी बाहर रह जाते हैं। और ये जो आप फिगर देख रहे हो ये सी अर्चिन की पेनिट्रेशन का है। अब ये जो सेकेंड जो मॉडल मैं दिखा रहा हूँ ये मैमल्स से रिलेटेड है। मैमल्स में क्या होता है कि कई बार अंडा बहुत ज्यादा इमेच्योर हो या अंडा बहुत ज्यादा मैच्योर हो तो उस केस में एक्रोसोम रिएक्शन की भी आवश्यकता नहीं होती है, और विदाउट एक्रोसोम रिएक्शन सुकाणु बिना किसी बाधा के अंडे की झिल्लियों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टमेटिक में जैसे एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले इसमें स्पर्म में क्या होता है कि सोडियम आयन बाहर से अंदर एंटर करता है, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाता है, और स्पर्म के अंदर की जो पीएच होती है वो बढ़ जाती है, स्पर्म मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, सुकाणु का एक्रोसोम है वो रप्चर हो जाता है, और एक्रोसोम से एंजाइम है वो रिलीज होता है। अपने ह्यूमन के केस में जैसे तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, दूसरा एंजाइम है सीपीई कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा एंजाइम जो है वो है प्रो एक्रोसोम। और अपने ओवम के अंदर भी तीन लेयर्स पाई जाती है, सबसे बाहर क्यूमुलस लेयर, उसके नीचे कोरोना रेडिएटा, उसके नीचे जोना पेलुसिडा। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है ये क्यूमुलस लेयर को डाइजेस्ट करेगा, और सुकाणु इस लेयर को पेनिट्रेट करके कोरोना रेडिएटा के कॉन्टेक्ट में आएगा, कोरोना रेडिएटा फिर सीपी एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होती है, और कोरोना रेडिएटा जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो स्पर्म जो होता है वो जोना पेलुसिडा के कॉन्टेक्ट में आएगा, और जोना पेलुसिडा जो है वो टोटली रिसेप्टर लेयर होती है, उसमें अलग अलग रिसेप्टर रीजन होते हैं जिनको ZP3 ZP2 जोना पेलुसिडा थर्ड और जोना पेलुसिडा सेकेंड के नाम से जाना जाता है। ये जैसे एक फिगर है अपने माउस का, माउस में आप देख रहे हो स्पर्म है क्यूमुलस लेयर के कॉन्टेक्ट में आया, एक्रोसोम इसका रप्चर हुआ, क्यूमुलस लेयर डाइजेस्ट हुई, सुकाणु जोना पेलुसिडा कॉन्टेक्ट में आया, फिर जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट हुई और सुकाणु का केंद्रक है वो अंडे के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये वाशरमैन के द्वारा डिटेल स्टडी की गई है, वाशरमैन और सेलिंग। अब ये जो जोना पेलुसिडा है उसमें ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है, इसमें आप देख रहे हो ग्रीन कलर के ब्लू कलर के, तो इसमें जोना पेलुसिडा थर्ड जोना पेलुसिडा सेकेंड ये अल्टरनेटली अरेंज है, और ये लेयर है वो पैरेलल लेयर के रूप में होती है, जैसे माचे के अंदर रस्सियां होती है पैरेलल रोज, उस तरह ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स की पैरेलल लेयर होती है, और सबसे पहले जो स्पर्म होता है वो जोना पेलुसिडा थर्ड के साथ अटैच होता है, इसको प्राइमरी जोना रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन ZP3 के द्वारा सुकाणु का पेनिट्रेशन नहीं होता है, सुकाणु का पेनिट्रेशन होता है ZP2 रीजन के द्वारा, क्योंकि जब स्पर्म ZP3 से लगा हुआ है उसमें प्रोटीज रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटीज इनहिबिटर्स के कारण ZP3 का डाइजेस्ट नहीं होता है। ZP3 जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट नेचर के रिसेप्टर्स हैं, जबकि ZP2 में प्रोटीन नेचर के रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। हाँ, इस फिगर में आप देखो ये स्पर्म की प्लाज्मा झिल्ली, उसमें रिसेप्टर्स है, ये अंडे की जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा में अलग अलग जोन बने हुए हैं ZP3 ZP2 ZP3 ZP2, लेकिन स्पर्म जो होता है वो सबसे पहले ZP3 के साथ बाइंड होगा, लेकिन ZP3 लेयर डाइजेस्ट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीज इनहिबिटर्स प्रेजेंट है, और ZP3 से जो बाइंडिंग है ये प्राइमरी जोना रिएक्शंस कहलाती है। अब ये स्पर्म ZP3 से जंप लगा के ZP2 पर आएगा, ZP2 पर जब आता है तो प्रो एक्रोसिन एंजाइम जो होता है सुकाणु का वो एक्रोसिन में कन्वर्ट होता है, और ये एक्रोसिन एंजाइम इस ZP2 को डाइजेस्ट करता है, और सुकाणु इसको पेनिट्रेट करने के फिर अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के कॉन्टेक्ट में आएगा। अब तीनों लेयर डाइजेस्ट हो चुकी है, क्यूमुलस लेयर डाइजेस्ट हो गई है, कोरोना रेडिएटा डाइजेस्ट हो गई है, जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट हो गई है, और अब सुकाणु अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के कॉन्टेक्ट में आ गए, और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। अब जो ही स्पर्म एग मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में आएगा एग में एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन की चौथी स्टेप होती है जिसको एक्टिवेशन ऑफ द एग कहते हैं। ये भी पूरा एक केमिकल प्रोसेस है और इसमें कई तरह की चेंजिंग होती है, सबसे पहली जो चेंजिंग है वो होती है कलर चेंजेस। कलर चेंजेस में क्या होगा कि जो ही स्पर्म अंडे की झिल्ली के कॉन्टेक्ट में आएगा अंडे को एक तरह की स्टिमुलस मिलती है, एक तरह का इंडक्शन मिलता है, और अंडे में जितने भी लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं योक के, जनरली वो येलो कलर के होते हैं,
ये योक के मॉलिक्यूल पूरे अंडे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बिफोर एक्टिवेशन अंडे का कलर है वो यदि पीला है, गहरा पीला है, तो वो हल्का पीला हो जाएगा या व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो एक्टिवेशन में सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है कलर चेंजेस, और ये कलर चेंजेस येलो टू लाइट येलो या येलो टू व्हाइट। सेकेंड चेंजिंग होती है फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण। अब इसमें क्या होगा, जब स्पर्म फीमेल गैमेट के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो फीमेल गैमेट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा झिल्ली की तरह मूवमेंट करता है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण स्पर्म के कॉन्टेक्टिंग पॉइंट पर एक शंकु रूपी रचना बन जाती है जिसको फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। और इसको कुछ बुक में तो ये भी लिखा है कि फीमेल गैमेट का जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रीटिंग करने के लिए जा रहा है, स्पर्म को वेलकम करने के लिए या स्पर्म को रिसीव करने के लिए जा रहा है, और वो इसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा निगल लेता है। हालांकि फैगोसाइटोसिस जैसा यहाँ पर कोई इवेंट नहीं होती है। और तीसरी जो स्टेप होती है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। बिफोर स्पर्म कॉन्टेक्ट अंडे का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट होता है, और अंडे के बाहर जो फ्लून मीडियम है उसमें सोडियम आयन प्रेजेंट है। अब ये सोडियम आयन अंडे के अंदर प्रवेश करेंगे, अंडे की भीतरी झिल्ली पॉजिटिव हो जाएगी, बाहरी झिल्ली है वो नेगेटिव हो जाएगी, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से बढ़कर ये +10 मिलीवोल्ट हो जाता है। यदि प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं एरर हो सकती है, और लेबोरेटरी में अपन चाहें तो रीफर्टिलाइज अंडे को दोबारा फर्टिलाइज कर सकते हैं। अपने करना क्या है, केवल भीतरी सतह वापस नेगेटिव करनी है, आउटर सरफेस वापस पॉजिटिव करनी है। इसके बाद में कॉर्टिक रिएक्शंस होती है, कॉर्टिक रिएक्शंस में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, और लास्ट में मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होता है। और इन सभी स्टेप्स के फिगर वाइज जैसे ये जैसे फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण, ये स्पर्म जैसे अंडे के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, और जो ही स्पर्म अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के कॉन्टेक्ट में आएगा इसमें ये कॉनिकल प्रोट्यूबरेंस बन रहा है, कॉनिकल एक तरह की बडिंग बन रही है, और ये बड जो है ये कहलाती है फर्टिलाइजेशन कोन। यहाँ से स्पर्म है इसके अंदर अंदर पेनिट्रेट करेगा। ये कॉर्टिकल रिएक्शंस के डायग्राम है, ये भी एक बहुत वेल मैनर्ड वेल सिस्टमेटिक केमिकल रिएक्शन है और कुछ नहीं है। ये जैसे कॉर्टिकल कणिकाएं होती है अंडे की कॉर्टेक्स में, हजारों की संख्या में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होती है, इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में इलेक्ट्रॉन ऑस्मिक सब्सटेंस भरा रहता है, कुछ हैवी मेटेरियल इसमें भरे रहते हैं, और ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर विटेलाइन मेम्ब्रेन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी है। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये नॉन सेलुलर लेयर है, इसमें कोशिकाएं नहीं होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी है, और प्रोटीन जहां पर होगा वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब कैल्शियम की प्रेजेंस में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल होती है वो रप्चर होगी, फटेगी, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की झिल्ली अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के साथ फ्यूज हो जाएगी, और जहां से स्पर्म पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है उस छिद्र को कॉर्टिकल कणिकाओं के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटेरियल होते हैं वो इसको ब्लॉक कर देते हैं। जिस तरह साइकिल का टायर पंचर हो जाता है वहां पर चेपा लगता है, उसी तरह यहाँ पर एक तरह का चेपा लग गया ताकि इस छिद्र के द्वारा दूसरे स्पर्म है अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं करें। और इसके बाद में ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड जब डाइजेस्ट होंगे तो प्लाज्मा झिल्ली और विटेलाइन झिल्ली के बीच में एक खाली स्पेस बन जाता है। इस खाली स्पेस में बाहर से ऑस्मोफिलिक मोमेंट के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है, और जो जो पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे ये विटेलाइन झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से ऊपर उठ जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है। अब इस ऊपर उठी मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और ये अपलिफ्टेड मेम्ब्रेन है। अब इस पेरिविटेलाइन स्पेस में एक तीसरी लेयर और बनेगी जिसको बोलते हैं हाइलिन लेयर, और हाइलिन लेयर फॉर्मेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में टायरोसिन का पॉलीमराइजेशन होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जोन ऑफ पेनिसिडा में कौन से अमीनो एसिड्स की बहुलता पाई जाती है, तो इसमें टायरोसिन अमीनो एसिड है वो बहुत रिच क्वांटिटी में, और टायरोसिन का यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा। जो पॉलीमराइजेशन होगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन मोटी हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन रिजिड हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, और ये जो सारी इवेंट है ये पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने की सबसे पहली जो घटना होती है वो डीपोलराइजेशन, जो मेम्ब्रेन है वो विभांतर -70 से बढ़ के +10 हो गया, अब कोई भी स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर सकता है। फिर भी यदि एंटर करे तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन मोटी है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को भी पार करके दिया जाए तो हाइलिन लेयर प्रेजेंट है, हाइलिन लेयर को भी पार करके यदि मान लीजिए मेल गैमेट अंदर आ गया है तो उस केस में ट्रिप्लोइड एम्ब्रियो बनेगा, और उस एम्ब्रियो का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है,
और विवीपेरस एनिमल्स होते हैं उसमें तो अबॉर्शन हो जाता है 99% केस। पौधों में जरूर ये घटना मिलती है क्योंकि पौधों में डिप्लॉइड प्लांट्स में होते हैं, कैटाबोलिक प्लांट्स में होते हैं, लेकिन पौधों का फिनोमिनन है वो थोड़ा अलग तरह का है। मेटाबॉलिक एक्टिवेशंस के दौरान कई तरह की चेंजिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन कंजप्शन है। जो ही स्पर्म अंडे के अंदर एंटर करेगा तो कुछ एनिमल्स में तो ऑक्सीजन का कंजप्शन वो बढ़ जाता है, जैसे सी अर्चिन के केस में। कीटोप्टेरस में ऑक्सीजन कंजप्शन कम हो जाता है और कुछ एनिमल्स में ऑक्सीजन कंजप्शन कॉन्स्टेंट रहता है बिफोर पेनिट्रेशन और आफ्टर पेनिट्रेशन। और संभवतः ये डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट की किस स्टेज में स्पर्म ने अंदर पेनिट्रेट किया है। तो कुछ एनिमल में स्पर्म प्राइमरी ओसाइट स्टेज में प्रवेश करते हैं, उसमें सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में प्रवेश करते हैं, उसमें ओटिट प्रावस्था में प्रवेश करते हैं, उसमें ओवम स्टेज में प्रवेश करते हैं। तो फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग ये ऑक्सीजन कंजप्शन है वो डिपेंड करता है। अंडे में जितना भी पॉलीसेक्राइड होता है मेनली ग्लाइकोजन, वो सारा ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसमें एनर्जी भी चाहिए और ग्लाइकोजन है वो सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए बढ़ेगी, जैसे पानी के लिए, इथाइलिन के लिए, ग्लाइकोल के लिए, फॉस्फेट के लिए, पोटेशियम के लिए। और एडिनिल साइक्लेज एंजाइम जो होता है ये भी एक्टिव होता है और एडिनिल साइक्लेज एंजाइम एटीपी को साइक्लिक एंजाइम में कन्वर्ट करता है और इसमें जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी एनाबोलिक इवेंट्स के अंदर काम में आती है। अंडे के अंदर सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम आयनों की मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कोएंजाइम होता है एनएडी, ये एटीपी रिएक्शंस करके एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। हेक्सोज फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी, विशेषकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और माइटोसिस का जो प्रोसेस है यानी क्लीवेज, क्योंकि अंडे में खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है, होता है लेकिन वो बाद में डैमेज हो जाता है। और सुकाणु का जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान अंडे में प्रवेश करेगा, ये स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये क्लीवेज प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो ओवरऑल ये इसमें इसकी एग एक्टिवेशन की इवेंट है। और लास्ट में क्या होगा, जब मेल गैमेट अंडे के अंदर प्रवेश करेगा तो इसका केंद्रक आगे होता है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पीछे होती है। अब इसमें क्या होगा, 180 डिग्री से रोटेशन होगा और सेंट्रियोल आगे आ जाएगा, केंद्रक पीछे आ जाएगा। इस 180 डिग्री रोटेशन के बाद में ये मेल गैमेट मोमेंट करता है स्लाइड, इस मोमेंट को बोलते हैं पेनिट्रेशन पाथवे यानी भेदन पथ। पेनिट्रेशन पाथवे के बाद में ये केंद्रक अपना डायरेक्शन चेंज करता है और जिधर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है उधर ये मोमेंट करेगा, इस पाथवे को बोलते हैं कॉपुलेशन पथ। और कॉपुलेशन पाथवे में मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, डिप्लॉइड केंद्रक है वो बन जाता है। और डिप्लॉइड केंद्रक जो होता है इसमें फिर मोमेंट होती है क्योंकि केंद्रक के जायगोट में हमेशा सेंटर में नहीं मिलेगा, कई बार एनुअल पोल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कई बार वेस्टर्न पोल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कई बार सेंटर से थोड़ा हट जाता है और इस पाथवे को बोलते हैं क्लीवेज पाथवे। तो पेंटेशन के बाद में केंद्रक में तीन तरह की मूवमेंट होगी, पेंटेशन पाथवे के द्वारा, पॉपुलेशन पाथवे के द्वारा और क्लीवेज पाथवे के द्वारा। क्लीवेज पाथवे है ये स्पीसी स्पेसिफिक होता है, हर एनिमल्स में क्लीवेज का पैटर्न अलग अलग तरह का है, किसी में होलोब्लास्टिक टाइप है, किसी में मीरोब्लास्टिक टाइप है, किसी में बराबर आकर की कोशिकाएं बनती है वो इक्वल टाइप हो जाएगा, किसी में छोटी बड़ी सेल्स बनती है माइक्रोमीयर मेगामीयर वो अनइक्वल टाइप का हो जाएगा। ये एक मॉडल है बायोकेमिस्ट्री का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन है ये पूरी, मैंने बताया पूरी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिस तरह डाइजेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है उसी तरह फर्टिलाइजेशन एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है। और ये मॉडल वाशरमैन और फ्लोरमैन ने जैसे प्रपोज किया है, इस फिगर में आप देख लो, जैसे स्पर्म जो होता है ये स्पर्म अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, जो है ये बाइंड होगा इसके अंदर एक्टिवेशन होता है, क्योंकि साइंस के विद्यार्थी वो जानते हैं कि ये सारे ट्रांसमेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा झिल्ली के, और इन प्रोटीन्स में अल्फा कॉन्फ़िगरेशन भी मिलता है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, गामा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। और अल्फा हेलिक्स जो होती है वो एक तरह की स्प्रिंग जैसी होती है और स्प्रिंग जैसा जब मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होता है तो उसमें एनर्जी डेवलप होती है, स्टिमुलस का वो प्रोपेगेशन भी होता है। तो जो ही स्पर्म इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, प्लाज्मा झिल्ली में भीतर की तरफ एक एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज सी, ये एंजाइम एक मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा
ये मॉलिक्यूल है फॉस्फेट इटाइल इनोसिटॉल 4,5-बाइफॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल फॉस्फोलाइपेज सी के द्वारा डाइजेस्ट हो रहा है और इसके द्वारा दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। एक मॉलिक्यूल था IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और दूसरा मॉलिक्यूल बनता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल। IP3 जो होता है ये अंडे की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरदेह जालिका की झिल्ली के साथ ये बाइंड होगा। जो ही IP3 अंडे की ER के साथ बाइंड होगा, ER के द्वारा कैल्शियम आयन रिलीज होता है और इन कैल्शियम आयन के कारण अंडे के अंदर कॉर्टिकल रिएक्शन संपादित होते हैं, क्योंकि कॉर्टिकल रिएक्शन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, एक्रोसोम रिएक्शन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए। अब ये जो दूसरा जो प्रोडक्ट है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये प्रोटीन काइनेज सी के साथ बंधित हो जाता है। ये प्रोटीन काइनेज सी इस प्लाज्मा झिल्ली में जो पंप होता है सोडियम हाइड्रोजन पंप, इसको स्टिमुलेट करेंगे। इस पंप के द्वारा सोडियम आयन बाहर से अंदर आएंगे और हाइड्रोजन आयन अंदर से बाहर जाएंगे। अब सोडियम आयन जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तो अंडे के अंदर की पीएच होती है बढ़ जाती है, अंडा मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। और हाइड्रोजन आयन अंडे के बाहर जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन अंडे के बाहर जितना भी फ्लूइड मीडियम होता है उसके अंदर ये हाइड्रोजन डिजोल्व हो जाती है। अंडे के बाहर एसिडिक मीडियम है वो डेवलप हो जाता है, एसिडिक वाटर बन जाता है। और इसका मेन मकसद होता है कि अंडे के बाहर जितने भी एक्सिस में जो स्पर्म है जो अंडे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए उन स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि एसिडिक वाटर बन गया तो फालतू में जो स्पर्म अंडे के बाहर प्रेजेंट है वो स्पर्म न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या डाइजेस्ट हो जाएंगे या डिजोल्व हो जाएंगे। तो ये एक बेस्ट मॉडल है बायोकेमिस्ट्री के फर्टिलाइजेशन का। अभी जैसे जिक्र किया हमने पॉलीस्पर्मी का, पॉलीस्पर्मी में क्या होता है कि एक से ज्यादा स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये पॉलीस्पर्मी का फिनोमिनन है, ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये जनरली बर्ड्स में मिलता है, तो बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन है ओवम स्टेज के अंदर ही हो जाता है और ओवम फिर बाद में अंडे में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो जो ओवम फैलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ आएगा उसमें एक एक लेयर्स बनती जाती है, एल्ब्यूमिन बनती है, उसके बाद में केराटिन का आवरण बनता है, फिर सस्वर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनता है। और पक्षियों में तो ये देखा गया है कि सैकड़ों स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन केंद्रक के साथ एक केंद्रक मेल का और एक केंद्रक फीमेल का उन्हीं का फ्यूजन होगा, बाकी जो केंद्र शुक्राणु जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आ गए हैं उनका अंडे के अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाता है और वो एनर्जी प्रोडक्शन भाग लेते हैं। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन है, हालांकि पॉलीस्पर्मी है इसमें, लेकिन डाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉइड ही होगा। पैथोलॉजिकल जो परिघटना है ये जनरली अंडे की डेवलपिंग स्टेज पे डिपेंड करती है। कई बार ओवम बहुत ज्यादा इमैच्योर हो, अपरिपक्व हो, या बहुत ज्यादा मैच्योर हो, मान लीजिए कोई 60 ईयर्स की लेडी है और उसके अंदर ओवुलेशन हो रहा है तो वो ओवम बहुत ज्यादा मैच्योर है। तो अंडा यदि बहुत ज्यादा इमैच्योर हो या बहुत ज्यादा मैच्योर हो उस केस में शुक्राणु बिना किसी बाधा के बिना किसी एक्रोसोम रिएक्शन के अंडे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और ये घटना कहलाती है पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। हालांकि इसको भी रोकने की डिवाइसेस पाई जाती है एनिमल्स के अंदर, जिसको अपन जिक्र किया है कि अगली प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी जिसमें मेम्ब्रेन का डीपोलरेशन होगा और डीपोलरेशन हो गया तो फिर दूसरा स्पर्म अंडा एंटर नहीं कर सकता, फिर भी यदि एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को भी बाधा करके आ गया, पार करके आ गया तो उसमें हाइलिन लेयर बनती है, हाइलिन लेयर को भी बाधा करके आ गया तो अब उस केस में ठीक है कि भाई डाइगोट डिप्लॉइड बन जाएगा, लेकिन वहां पर सेंट्रियोल दो आ रहे हैं, दो शुक्राणु प्रवेश करें तो दो तारिकाएं भी आ रहे हैं। अब इसमें क्लीवेज होगा तो दो तारिकाएं से चार सेंट्रियोल बन जाएंगे। अब वहां पर क्रोमोसोम की मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है कि किस पोल की तरफ कितने क्रोमोसोम्स है वो माइग्रेट करें, तो यहाँ पर कुछ सेल में गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है और मोजाइक टाइप का जो एम्ब्रियो होता है वो उसमें डेवलप होता है और अल्टीमेटली एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है और अबॉर्शन हो जाता है। ये कुछ एरर्स है फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जनरली देखने को मिलती है, इसमें जैसे एक एक अपन डिस्कस करेंगे। पॉलीस्पर्मी जैसे एक फीमेल गैमेट में जब एक से ज्यादा स्पर्म एंटर करें तो ये घटना पॉलीस्पर्मी कहलाती है। पॉलीएंड्री में क्या होगा, फीमेल गैमेट एक होगा, मेल गैमेट एक से ज्यादा होंगे पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी में मेल गैमेट एक होगा, फीमेल गैमेट दो होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए स्पर्म है वो अंडे के कॉन्टेक्ट में आया और बिना पेंट्रेशन के अंडे के अंदर क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसमें जो ब्लास्टोमियस बनती है उन ब्लास्टोमियस को फिर ये डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, या कई बार पोलर बॉडी जो होती है उनको फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है। तो मेल गैमेट एक हो और फीमेल गैमेट एक से ज्यादा हो ये घटना कहलाएगी पॉलीगाइनी।
गाइनोजेनेसिस में क्या होगा कि मेल गैमेट के कांटेक्ट में आया और मेल गैमेट ने अंडे के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया, लेकिन फीमेल गैमेट का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एक तरह की पार्थिनोजेनेसिस है, यह मान सकते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं है और फीमेल गैमेट डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये घटना कहलाती है गाइनोजेनेसिस। पार्शियल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म अंडे के कॉन्टेक्ट में आया, अंडे में क्लीवेज हुआ। अब क्लीवेज में जो ब्लास्टोमियस बन रही है उन ब्लास्टोमियस को स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज करता है, और इस केस में कई बार गिनेंड्रोमॉर्फ जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। मान लो कई बार पहला क्लीवेज हो या दो सेल्स बनी और एक सेल मान लीजिए एक्स टाइप का स्पर्म एंटर कर रहा है, दूसरी सेल में वाई टाइप का स्पर्म कर रहा है, तो उस केस में अर्ध नारीश्वर जैसी संतानें होती है, पैदा होती है और बॉडी का आधा पार्ट मेल होगा आधा पार्ट फीमेल होगा। और इंसेक्ट में इस तरह के एग्जाम्पल नेचर में हमने देखे हैं, तितलियों में देखे हैं, मोथ में देखे हैं, ये जो ड्रैगन फ्लाई होती है इसमें देखे हैं। और इसमें क्या होता है कि बटरफ्लाई है तो मान लो एक तरफ की टांगे बड़ी है, एक तरफ का पंख बड़ा है, एक साइड की टांगे छोटी है, एक साइड के पंख छोटे हैं। यदि दोनों तरफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है बॉडी ऑर्गन्स का, इसका मतलब ये गिनेंड्रोमॉर्फ टाइप की संतति होती है। और एंड्रोजेनेसिस में क्या होगा कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट में एंटर करेगा, लेकिन फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस है वो इनएक्टिव हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और केवल मेल गैमेट होता है वो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर एंड्रोजेनेसिस में भी हैप्लोइड संतति बनेगी और गाइनोजेनेसिस में भी हैप्लोइड संतति बनेगी, और ये दोनों ही जो परिघटनाएं हैं एक तरह की ये पार्थिनोजेनेसिस की परिघटनाएं होती है, और जनरली इंसेक्ट में ये परिघटनाएं वो पाई जाती है। और इस टॉपिक का जो लास्ट जो एस्पेक्ट है वो है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में क्या होगा कि इट ब्रिंग्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और मेल और फीमेल गैमेट है वो यूनाइट हो जाते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट है यहाँ पर बन जाता है। अंडे की द्विगुणित अवस्था उन्हें प्रारंभ हो जाती है। तो जितने भी लैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणी हैं उसकी लाइफ में दो फेज आती है, डिप्लॉइड फेज और हैप्लॉइड फेज। डिप्लॉइड फेज है वो बॉडी है, सोमा है, हैप्लॉइड फेज है वो गैमेट्स होती है। तो गैमेट बनेंगे, गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, डिप्लॉइड बॉडी बनेगी और डिप्लॉइड एनिमल्स में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो द्विगुणित प्रावस्था जो है वो उन्हें प्रारंभ हो जाती है। इसमें एक तरह से डीन डिस्पर्सल भी होता है, नई तरह की वेरिएशंस डेवलप होती है, और नई वेरिएशंस डेवलप होती है तो वो फिर इवोल्यूशन के लिए एक रॉ मटेरियल का कार्य करती है, नेचर है उनको सेलेक्ट करती है। और सेक्स डिटरमिनेशन भी यहाँ पर होता है, क्योंकि यदि एक्स टाइप के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो संतति फीमेल बनेगी, वाई टाइप के स्पर्म से यदि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो संतति मेल बनेगी, लेकिन कुछ एनिमल्स में उल्टा होता है जिसको ZW सिस्टम बोलता है। उसमें फीमेल जो होती है उसमें XY क्रोमोसोम होता है और नर के अंदर XX क्रोमोसोम होता है, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन से बचने के लिए X क्रोमोसोम को Z के द्वारा और Y क्रोमोसोम को W के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के द्वारा अडेप्टिव रेडिएशन है वो डेवलप होती है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा अंडे के अंदर एक्टिवेशन होता है और आगे के डेवलपमेंट की जो फाउंडेशन होती है नींव होती है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होती है। और शुक्राणु के द्वारा सेंट्रियोल है वो प्रोवाइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसकी, क्योंकि अंडे का खुद का सेंट्रियोल है वो क्लीवेज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो शुक्राणु का जो स्वीपर्स तारिका है वो फर्टिलाइजेशन में प्रवेश करेगा और यही सेंट्रियोल फिर क्लीवेज डिविजन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पर मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि अपने बॉडी में दो जीनोम है, अपनी बॉडी डिप्लॉयड है और इसके अंदर दो जीनोम है, एक जीनोम मदर का है 22+X और एक जीनोम फादर का है 22+X या 22+1। इसके अपनी बॉडी में दो जीनोम है, मैटरनल जीनोम और पैटर्नल जीनोम। तो यहाँ पर मातृक और पैतृक जो गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, होमोलोगस पेयरिंग होती है और नई वेरिएशंस डेवलप होती है, नए करेक्टर्स डेवलप होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन होता है, नई संतति बनती है। इसलिए जब भी मैरिज एस्पेक्ट होता है तो अपन गोत्र टालते हैं, चार गोत्र टालते हैं, उसके पीछे मकसद ये होता है कि अलग अलग वैरायटी का जो सुपर क्वालिटी का जो डीएनए है वो मिक्स हो ताकि आने वाली संतति है वो हाइब्रिड विगर हो, ओवर अडेप्टिव हो, क्योंकि हर पीढ़ी को आगे आने वाले दिनों में क्या अभी नेचुरल सिलेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि नई स्पीसीज को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन है वो प्रकृति में ऑपरेट हो रहा है और कैसे करेक्टर डेवलप होते हैं नेचर उसको अपने आप सेलेक्ट करती है। तो ये एक
ब्रीफ ओवरव्यू है इस फर्टिलाइजेशन के चैप्टर। ये फोटो जनरली मैं शेयर करता हूँ, ये हमारे स्टूडेंट है दीप्ति मित्तल, फतेहपुर शेखावटी से बिलोंग करती है और अब ये लॉस एंजलिस में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पोस्टेड है। इसका बच्चा भी बहुत ब्रिलियंट है, आप फिगर में देखो ये कंप्यूटर चला रहा है और इसकी मम्मी है वो टेबल के नीचे बैठी है। और ये कोटेशन है इसमें, एवरी ब्रिलियंट बेबी हैव ए हार्ड वर्किंग माइंड, इट इज कंप्लीशन। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें? ये फोटोग्राफ भी हमारे स्टूडेंट ने खींचा है, पिछले साल छुट्टियों में फोटोग्राफी का कैंप लगाया था हमने और उसमें एक रूल ऑफ थर्ड लगता है, जब भी आप सोलो पिक्चर नेचर में खींचे एनवायरनमेंट में खींचे तो आदमी का फोटो हमेशा कोने में होना चाहिए, राइट साइड में या लेफ्ट साइड, और वो फोटो बहुत ही इम्प्रेसिव होती है। तो ये इस फोटो का क्रेडिट हमारे स्टूडेंट को देना। एनी क्वेश्चन फॉर मी डियर? यस, बुनी कॉलेज, बुनी कॉलेज से पूछे। बुंदी कॉलेज के बारे में पूछना है। हाँ पूछिए। ट्विन्स कंसेप्ट के बारे में, कि ट्विन्स जो बनते हैं उनके प्रोसीजर के बारे में। ट्विन्स तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विन और एक डाइजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन डिप्लोइड जाइगोट जब बन गया उसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है, पहला क्लीवेज हुआ दो सेल, सेकंड क्लीवेज हुआ चार सेल्स बने और ये सेल आपस में डाइजाइगोट के द्वारा जुड़ी है। ये कई बार फैलोपियन ट्यूब का अंतर्गत होता है, अंदर की पीएच होती है उसके कारण या पर्टिकुलर एंजाइम्स के कारण ये ब्लास्टोमियर एक दूसरे से सेपरेट हो गया। अब ये सेपरेट ब्लास्टोमियर है वो जाइगोट का काम करती है क्योंकि इनमें टोटिपोटेंसी पाई जाती है। और पहले मानते थे कि ह्यूमन फीमेल में 8 जोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अभी महीने भर पहले अखबार में इंग्लैंड में एक महिला के 13 जोड़ों बच्चे पैदा हुई है। तो अब ये टोटिपोटेंसी को 4 क्लीवेज तक अपन काउंट करेंगे। और डाइजाइगोटिक ट्विन में क्या होता है कि फीमेल के अंदर कई बार दो ओम एक साथ बन जाते हैं और उन दोनों ओम का फर्टिलाइजेशन अलग अलग स्थानों से यदि हो जाता है तो उसमें एक लड़का एक लड़की हो सकती है, दोनों लड़के हों तो दोनों की फेनोटाइप अलग अलग तरह का होगा। और कई बार आइडेंटिटी होते हैं वो सेल पूरी तरह सेपरेट नहीं हो पाती है और उनकी बॉडी का जो पार्ट होता है पूरा रहता है, उनको सियामी जुड़ा, कई बार बच्चे छाती से जुड़े साइड से जुड़े और फिर ऑपरेशन के द्वारा। तो ये जाइगोट डेवलपमेंट का ये बूंदी से। और कोई? थैंक यू सर। झालावाड़ झालावाड़ से एक क्वेश्चन है। झालावाड़ का कोई क्वेश्चन पढ़ो क्या है? हाँ, एक्रोसोम वैसे तो लगभग हर प्राणियों में है, लेकिन कई बार क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में तब फैशन होता है, उस दौरान केमिकल्स के कारण कीमोटैक्सिस के कारण एक्रोसोम है वो रप्चर हो जाता है और उसमें प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और